और क्या चल रहा है? नॉर्मली तो मैं सुबह सुबह जल्दी उठ ही जाता हूँ, लेकिन आज का दिन जो है ना वो बड़ा ही स्पेशल है। आपके लिए भी ज़रूर होगा। इस दिन बहुत ही खास होता है, सबके लिए भी होगा, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। हाँ, हालांकि ये बात अलग है कि कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ काम के लिए ही एक नॉर्मल जैसा डेली होता है वैसा ही है, जैसे सब डेली आते हैं जाते हैं वैसा ही है, कुछ खास नया नहीं। लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, आज है होली। जी हाँ, और मेरी फेस देख के आप समझ गए होंगे मेरा काफी मूड उतरा हुआ है। वो इसलिए उतरा हुआ है क्योंकि हर बार की तरह इस साल भी मैं होली अपने फैमिली के साथ नहीं बिता पाया। तो आज की जो वीडियो है दोस्तों, ये उन लोगों के लिए है जो लोग बाहर हैं, कहीं फैमिली से दूर है, कोशिश बहुत करते हैं लेकिन कुछ कारण के वजह से वो नहीं जा पाते हैं। आज ये वीडियो उनके लिए डेडिकेटेड है। तो गाइस, जितना भी आज गुस्सा था ना, सब आज मैंने ये जिम पे ही निकाला हुआ है, अपने ऊपर निकाला हुआ है। तो वैसा कुछ स्पेशल कुछ प्रोग्राम तो है नहीं, और क्योंकि मोस्ट ऑफ द मार्केट क्लोज रहता है, लेकिन मैं बहुत जल्द ऐसी जगह आपको लेके जाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा आज, अगर पॉसिबल है तो आज, या तो नेक्स्ट में जाऊंगा। तो मेरा जॉब प्रोफाइल क्या है? हाँ, जॉब प्रोफाइल क्या है? काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत पहले भी मेरे को काफ़ी लोगों ने पूछा था कि एक्चुअली आप जॉब क्या करते हैं। तो आज दिल थाम के बैठिए, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए कि क्या एक्चुअल में काम करता हूँ वो आज आपको मैं दिखाऊंगा। मैं कैसे जॉब करता हूँ, क्या एग्जैक्टली मेरा वर्क है, वो मैं कवर करूँगा। तो गाइस, अभी है रमज़ान का टाइम। मोस्टली मिडिल ईस्ट में ये सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ दे लगता है। आई नो दिस इज़ अ होली मंथ ऑफ, जो लोग मुस्लिम्स हैं उनके लिए होली मंथ है, लेकिन नॉन मुस्लिम के लिए थोड़ा मिडिल ईस्ट में थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता है। कहाँ पे दिक्कत होता है? दिक्कत ये है कि दोस्तों, कंपेयर टू दुबई इज मच ईजीएस्ट बोला जाए तो, क्योंकि दुबई में कुछ कुछ ऐसा लोकेशन है जहाँ पे थोड़ा बहुत आपको इश्यूज है। अब इशू क्या है? इशू यह है कि दोस्तों, जो लोग नॉन मुस्लिम्स हैं उनको, अभी जो लोग इफ्तारी मतलब जो लोग फास्टिंग में हैं उनके लिए तो ठीक है, उन मतलब खाना नहीं खाना है, वो तो शाम को उनका जो इफ्तारी होता है 6 बजे के बाद वैसा ही है। लेकिन प्रॉब्लम हम लाइक जो लोग नॉन मुस्लिम हैं उनके लिए क्या प्रॉब्लम हो जाता है, दोपहर में अगर वो कहीं पे आउटसाइड कुछ काम करने जाते हैं, लाइक हम लोग जैसे जाते हैं, मैं जैसे जाता हूँ, लंच मिलना बहुत टफ हो जाता है, बहुत टफ। अब इसमें इश्यूज क्या है, आप बाहर हैं और अगर आप घर पे खाना नहीं बना पा रहे हो, या आपको मौका नहीं मिला, या ऑन ड्यूटी हो, या कहीं पे सुबह से काम में हो, तो लंच इज लाइक मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन दुबई में ठीक है, थोड़ा बहुत आपको थोड़ा बहुत पार्सल वगैरह मिल जाता है, या मैं ऐसा कहूँ कि एकाध रेस्टोरेंट कुछ कुछ जगह पे खुला रहता है, लेकिन आप अंदर बैठ के खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, ये भी डिपेंड करता है एरिया टू एरिया। कुछ एरिया में अलाउ कर देते हैं लेकिन कुछ एरिया पे नहीं करते। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दुबई, दूसरे लाइक ओमान ले लो, बहरीन ले लो, सऊदी ले लो, या आप कुवैत ले लो, फुल स्ट्रिक्ट मतलब फुल स्ट्रिक्ट, आप नहीं, बाहर खाना तो एकदम ही अलाउड नहीं है, लेकिन पार्सल मिलना भी थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसे कि आज मैं खाना कुछ बना नहीं पाया हूँ क्योंकि हमारा जो ओवन है वो बहुत ही हालत ख़राब है, वो पता नहीं ऑफिस वाले कब उसको ठीक कराएंगे। ऑलमोस्ट 1.5-2 महीना हो गया है उसका कोई रिपेयर नहीं कर रहा है उस ओवन को, इलेक्ट्रिक ओवन है। तो इसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बाहर ही खा रहा हूँ और पैसा भी बहुत ज़्यादा ही जा रहा है। तो अभी ऐसा है कि यहाँ पे एक नेस्टो बोल के मार्केट है, मतलब ग्रोसरी मार्केट है, तो वहाँ पे खाने के लिए कुछ आइटम मिल ही जाएगा, तो वहाँ से आज के लिए फिलहाल ले रहा हूँ। और शाम को मैं ऐसा प्लान किया है कि वो हमारे कुछ दोस्त हैं जो लोग इफ्तारी में हैं, मतलब जो लोग फास्टिंग में हैं, तो वो शाम को मस्जिद में जाएंगे, तो वहाँ से कुछ बिरयानी खाना वाना मिल ही जाता है पार्सल में, मतलब लाइक उन लोग डोनेट करते हैं, खाना डोनेट करते हैं, तो वहाँ से कुछ ले लेंगे तो रात का गुजारा हो जाएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल तो जुगाड़ हो जाएगा। अभी चलिए फिर दिखाता हूँ मैं वहाँ पर जाके क्या खाना मिल सकता है या क्या खाना मिलता है। हाँ, ये सब खाना आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये एक्चुअली एक शॉपिंग मॉल है जहाँ पे सब तरीके के सब सामान
खाना पीना सब आप एक ही जगह पे मिल जाता है। तो यहाँ पे कुछ खाना मेरे को देखने को लगा, लेकिन अभी मूड के ऊपर हो रहा था कि कौन सा लूँ और कौन सा नहीं लूँ, बट एनीवेज मैंने फाइनली लिया। तो गाइस मैंने ले लिया है और खाना कुछ ये है, ये थोड़ा मिठाई है और ये आलू फ्राई और ये है। तो गाइस ये है वो लैम चॉप जिसको मैं लेने गया था। बेसिकली ये बहुत टाइम से मैं देख रहा था, तो बहुत टाइम पे मैं देख रहा था कि इसको टेस्ट करना था और इसकी रेसिपी थोड़ा देखना था कि कैसे टाइप का है। तो फाइनली लिया आज, बहुत महंगा पड़ा, 39 दिराम का पड़ा। आप मुझे इंडियन करेंसी में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये इंडियन करेंसी में कितना हुआ आज की डेट पे। तो गाइस खाना वाना तो ख़त्म हो गया, लेकिन अभी थोड़ा ऑफिस से कुछ काम आया है, तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में मेरा जॉब क्या है। तो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ मेरे वर्क स्टेशन में, जिसको शिप बोलते हैं। तो अभी मैं हूँ शिप में, ये कुछ आप देख सकते हैं, ये है फुल व्यू ऑफ सी। तो अभी मैं थोड़ी देर में ये नीचे जाने वाला हूँ, तो हवा काफ़ी ज़ोर से है तो शायद आपको आवाज़ ठीक से ना आए। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये जॉब कैसे लगा, और कुछ भी आपको पूछना हो इस जॉब के बारे में तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। सो हम लोग, मैंने आपको काफ़ी सारे कार के बारे में रिव्यू बताया है, और यहाँ आप देख सकते हैं ये इसको डेरी क्रेन बोलते हैं। इस क्रेन के थ्रू आप कार को जो भी लोड हुआ है वो उसको बाहर करेंगे। तो यहाँ पे टू, वो वहाँ पे वन दिख रहा है, यहाँ पे कहीं आपको थ्री दिखेगा, आपको दिखा देता हूँ। तो इसको होल्ड नंबर बोलते हैं, जो टेक्निकली हैच होते हैं। तो ये देखिए यहाँ नहीं, फ्रंट साइड में लिखा होगा। चलिए मैं दिखाता हूँ अभी मैं कैसे पानी के नीचे उतर के मैं अपना जो सर्वे है वो करता हूँ। ये अभी सबसे पहले चीफ ऑफिसर जाएंगे और वो नीचे रफ चेक करेंगे, इसके बाद मैं जाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग पे।